मंत्री भूपेश बघेल ने जो बड़ी घोषणा की है किसानों के कर्ज माफी की, कि किसानों का कर्ज फिर से माफ होगा, तो कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ किया जाएगा चुनावी साल में। कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक। तो आपको ये भी जानकारी दे दे, पिछले चुनाव के आपको 2018 की बात बताया, उस दौरान भी सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की थी और सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ भी किया था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, एक महीने भी नहीं बचे हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है किसानों के कर्ज माफी को लेकर। सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा ऐलान किया है, एक्स ऐप के माध्यम से ट्वीट किया है, घोषणा की है कि एक बार फिर सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो जानकारी दे दे, अब तक 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, 9,720 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया, तो वहीं 325 करोड़ का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया। तो देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। जहाँ पिछले समय गरीबों का आवास की घोषणा राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफ़ी फिर से होगी। खबर दुर्ग से, जहां पर बीजेपी सांसद विजय बघेल का तंज देखने को मिला है। बाबा चाचा मुख्यमंत्री के ट्वीट पर भतीजे का ये तंज, लच्छेदार घोषणा और छलावे में जनता नहीं आने वाली है। तो वहीं क्योंकि कोई नई घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस ने कर्ज माफी, जातिगत जनगणना, धान और आवास के नाम पर जनता से धोखा किया है, जनता त्रस्त है, सरकार बीजेपी की बनेगी। तो ये देखिए ये बड़ा बयान और ये बड़ा तंज आपको बता दें विजय बघेल ने दिया है। 16 लाखों को के साथ अन्याय किए हैं, शायद प्रधानमंत्री आवास की बात आप कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो लच्छेदार जो आपके जो ये सब घोषणाएं हैं ना, उसमें जनता उसमें उस छलावे में नहीं आने वाली है। ने जातिगत जनगणना की तो पहले भी कहे हैं, आप कर्ज माफी की बात की हैं। तो किसानों के कर्ज माफी के इस ऐलान ने अब सियासत भी जमकर पकड़ ली है। रायपुर से खबर बताया तो सीएम भूपेश बघेल के ऐलान पर अब पलटवार भी शुरू हो गए हैं। पूर्व सीएम रमन सेन ने ट्वीट किया है, पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई, 5 साल तक किसानों का कर्जा बरकरार रखा। आप सोचिए इस किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे किसान फिर कर्ज में डूब गया। तो ये देखिए बड़ा तंज कसा है पूर्व सीएम रमन सेन ने, जब से ये ऐलान किया गया सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किसान कर्ज माफी का, इसके बाद से अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, वार पलटवार का सिलसिला चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अब सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है, घोषणा वीर आज कैंडी क्रश नहीं छत्तीसगढ़ की भावनाओं से घोषणा घोषणा खेल रहे हैं। ये बड़ा बयान दे दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने, इसको सियासत भी अब इस पर जमकर हो रही है। देखिए ट्वीट के माध्यम से ही एक्स ऐप में उन्होंने कहा है कि घोषणा वीर आज कैंडी क्रश नहीं छत्तीसगढ़ की भावनाओं से घोषणा घोषणा खेल रहे हैं। कर्ज माफी का ऐलान सीएम भूपेश बघेल द्वारा एक्स ऐप के माध्यम से किया गया और लगातार दिखा रहे हैं पूर्व सीएम रमन सेन ने उस पर तंज कसा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी इस पर तंज कसा, वार पलटवार और अब सियासी घमासान ट्विटर में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी एक अहम मुद्दा बन गया है। विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा, छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी किसान कर्ज माफी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें दोनों राज्यों में किसान कर्ज माफी अब अहम भूमिका निभाने वाला है।
2018 में दोनों राज्यों में सत्ता की चाबी कर्ज माफी ही बनी थी। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ पहले ही कर्ज माफी की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी किसान कर्ज माफी का ऐलान किया गया। तो विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी अब बड़ा मुद्दा होने जा रहा। बात चाहे छत्तीसगढ़ की करे चाहे मध्य प्रदेश की करे, अब किसान कर्ज माफी पर दोनों ही राज्यों के कांग्रेस पार्टी फोकस करते नजर आ रही है, कांग्रेस को साधते नजर आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाया। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ पहले ही किसान कर्ज माफी की घोषणा कर चुके हैं। और इधर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी अब ट्वीट के माध्यम से ये बड़ी घोषणा कर दी है किसान कर्ज माफी की। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से संवाददाता कुलेश्वर पांडे जुड़े हैं। मनोज सैनी जी, पहले तो आपसे ही मैं समझना चाहूंगी, अभी तो सूचियां जारी हुई हैं, यहां पर बगावती सुर देखने को, ये मुद्दा तो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी जो कमलनाथ हैं वो अब कर्ज माफी पर ही फोकस करते नजर आ रहे हैं और इससे ही अब सत्ता की चाबी भी कहा जा रहा है। देखिए, किसान एक बड़ी तादाद में रहा है मध्य प्रदेश में, और निश्चित रूप से किसानों के लिए जब जब जिस भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं उसका लाभ उसको मिला है। हम पूर्व की सरकार, चाहे पटवा की सरकार रहे हो, शिवराज जी की सरकार, या वर्तमान जो जिसकी बात कही जा रही, कमलनाथ जब 2018 में वापसी किए तो सबसे बड़ा उन्होंने जो बात कही थी, सौगात देने की बात कही थी, वो किसान कर्ज माफी की। और ये कहा भी गया, 1.5 साल तक लगभग सरकार रही कमलनाथ जी की, और फिर आरोप ये लगे कि किसान कर्ज माफी नहीं कर पाने के कारण ही सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हालांकि बाद में ये मुद्दा विधानसभा तक गरमाया और ये कहा गया 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, 2 लाख की जगह कुछ किसानों का 1-1 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ, और इसी को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाती रही। अभी भी जो वचन पत्र जारी किया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें इस मुद्दे को बढ़ाया कि जहां से हमने कर्ज छोड़ा है उससे फिर हम किसान की कर्ज माफी करेंगे। तो निश्चित रूप से किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। यदि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कर रहे हैं तो यहां कमलनाथ जी ने भी अपने वचन पत्र के जरिए बात कही है, और 2023 के चुनाव में भी किसान कर्ज माफी की बात करते हुए, या आधी आबादी को साधने की बात हो या युवाओं को साधने की बात हो, सभी को लेकर दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस ये अभी भी कह रही है कि हमने जो छोड़ा है उसको माफ करेंगे। अब किसकी बात पर कितना विश्वास करें, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से भी ये कहा गया, उनकी तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, मोदी और शिवराज की तरफ से अलग अलग मदों में पैसा दिया जा रहा है, तो दावे दोनों तरफ से हैं, पर कितना भरोसा जनता का किस पर होगा। पर किसान कर्ज माफी सत्ता की चाबी है, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित रूप से एक खास स्ट्रेटजी के साथ जो है ना कांग्रेस वो आगे बढ़ रही है, हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे बात किसानों की कर ले, युवाओं की कर ले या महिलाओं की कर ले। मनोज जी आप बने रहिएगा, रायपुर से कुलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, बड़ा ऐलान किया गया है और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कितना कुछ असर इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर किसानों की अधिकता पाई जाती है और किसान ही नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, उनको राहत भी मिली है, कितना असर देखने को मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, किसानों की संख्या यहाँ पे बहुत है, हर घर में एक किसान निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि धान का पैदावार भी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा होता है, लगातार सरकार धान खरीदी बढ़ चढ़े खरीद रही है, ऐसे में सीएम का यह घोषणा चुनावी साल में निश्चित तौर पे किसानों को काफी राहत देने वाली खबर है। जब ये घोषणा किए होंगे सीएम, तो किसानों के चेहरे में मुस्कान भी आ जाएगा, क्योंकि किसान जो है हर चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए कर्ज लेते हैं, और ऐसे में अगर वो कर्ज माफी का ऐलान सीएम भूपेश बघेल कर दिए तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा ऐलान है, मास्टर स्ट्रोक की तरह इसको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा उसमें ये बिंदु शामिल होंगे। देखिए, अगर हम अब तक बात करें तो घोषणा पत्र तो अभी नहीं आया, लेकिन 4 घोषणा पहले से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। पहला कि हम जो जिनके पास आवास नहीं है उनको करीब 17 लाख परिवारों को आवास देंगे, 20 क्विंटल किसानों को धान खरीदी होगा प्रति एकड़ 2500 रुपए में। तीसरा, अगर हम बात करें तो कर्ज माफी का बात यहाँ पे कर दिए, तो ऐसे सीएम भूपेश बघेल लगातार घोषणा करे, कहीं ना कहीं जो किसानों का वोट बैंक अभी थोड़ा सा बिखरता वो नजर आ रहा था, इस घोषणा के बाद आने वाले चुनाव में
कांग्रेस पार्टी को जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था 15 साल विपक्ष में थी कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में जो घोषणा पत्र में बिंदु शामिल किए गए थे, निश्चित तौर पर जब सरकार बनी तुरंत सीएम भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ किया। अब तक अगर हम बात करें 17 लाख ऐसे किसान हैं जिनका कर्जा माफ हो चुका है, तो ये घोषणा कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी फिर से कांग्रेस पार्टी को दिलाती हुई नजर आ रही है, और निश्चित तौर पर चुनाव में इसका एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, अब दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की कुछ मुश्किलें तो बढ़ती अब नजर आ रही है, क्योंकि इसके साथ इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मनोज जी, आपका भी, कुलेश्वर आपका भी। चलिए बढ़ते हैं।